नया दिन, नई चुनौतियाँ और नए ग्राफिक कार्ड। तो आज हम टेस्ट करने वाले हैं गैलेक्सी 1650 वर्सेस MSI का 1650 वेंटस एक्सेस। अब देखना है कि इन दोनों 1650 मॉडल्स में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कौन सा सही परफॉर्मेंस देता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि GTX 1650 जो है वो NVIDIA का लेटेस्ट GPU है। बहुत सारी कंपनियों ने अलग अलग वर्जन बनाए हैं। ऐसे ही गैलेक्सी ने अपना एक वर्जन बनाया था 3 साल की वारंटी के साथ, 80mm फैंस के साथ। वैसे ही MSI का एक ग्राफिक कार्ड वेंटस एक्सेस OC एडिशन वाला है, जो कि 1650 का उनका एक पर्टिकुलर मॉडल है और शायद से सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है, जैसा कि मार्केट में सुनने को मिलता है। पर हम ये टेस्ट करना चाहते थे कि क्या सच में वो इतना बढ़िया परफॉर्म करता है कि नहीं, एज अपोज टू गैलेक्सी वाला कार्ड, जो कि शायद से सबसे सस्ता वाला कार्ड है 1650 के लिए। हमारा टेस्ट बेंच वही सेम था जो हमने पहले भी यूज़ करा, 4.5 GHz कोर i7-7700K के लिक्विड कूल्ड SSD वगैरह, ऑल RGB सेटअप, बढ़िया एकदम। और गेमिंग परफॉर्मेंस और FPS की बात करते हैं, तो ये हमारे गैलेक्सी 1650 वाले रिव्यू में से है क्लिप्स। टॉप पे आप FPS देख सकते हैं, तो 240 तक FPS जा रहा था काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव में, और लोअर FPS जा रहा था 174 तक। तो उससे एक एवरेज आइडिया लग जाता है कि यार परफॉर्मेंस इसकी जो है वो काफ़ी हद तक सही है। वहीं MSI 1650 OC 4GB में आप देख सकते हैं कि जो FPS रेंज है वो कंसिस्टेंटली मतलब 200 से 172 के बीच में जा रहा है। तो मतलब उतना ज़्यादा जो इसके हाईज हैं वो उतने ज़्यादा नहीं जा रहे। जैसे फॉर एग्जांपल उसमें 235 तक हाईज जा रहे थे गैलेक्सी वाले कार्ड में, यहाँ पे जो हाईज हैं वो 220 या 230 तक जाते हैं, पर उससे ऊपर नहीं जा रहे, मोस्टली वो 200 FPS से नीचे रह रहा है। तो ये मुझे एक अजीब सी चीज़ लगी कि मतलब MSI का कार्ड जो है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होनी चाहिए थी परफॉर्मेंस, पर ऐसा नहीं है। और जो दोनों ही कार्ड हैं उनको हमने OC नहीं कर रखा था। गैलेक्सी 1650 पे आप देख सकते हैं सब कुछ हमने जो सेटिंग्स है GTA 5 में वो सब मैक्स कर रखी है। सैनिटियर्स नहीं है, 5 है, तो इसमें सब कुछ मैक्स कर रखा है। एंटी अलाइसिंग इनेबल कर रखी है, तो ये जा रहा था 35 से 37 तक। और वहीं फिर बाद में हमने एंटी अलाइसिंग वगैरह डिसेबल करी देखने के लिए कि FPS कैसा जा रहा था। फिर वही यही टेस्ट हमने वापस रन करे अपने MSI वाले कार्ड पे, ये देखने के लिए कि उस पे कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, उस पे कैसा चल रहा है। तो उस पे जो FPS था उस पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस थी कि वो 31 से 37 तक जा रहा है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं। थोड़ा सा बीच में हम फास्ट फॉरवर्ड भी करेंगे देखने के लिए कि लंबे समय तक वो कितने FPS तक टिक रहा है। बट मैंने ये एक चीज नोटिस करी कि ये जो है 30+ FPS ज्यादा देर तक नहीं झेल पा रहा था जो MSI वाला कार्ड था, तो ये मेरे को बुरा लगा। गैलेक्सी 1650 पे आप देख सकते हैं कि 60 FPS के अराउंड झूल रहा है, 50 FPS तक भी लोअर गया जो PUBG पे का फ्रेम रेट है, और 50 से मैं बोलूंगा कि 50 से 65 FPS तक के बीच में वो झूल रहा था। वहीं अब हमने जब दूसरा ग्राफिक कार्ड टेस्ट किया MSI वाला, तो MSI 1650 OC 4GB में बढ़िया था FPS, इसमें PUBG में मैं कहूंगा नो डाउट ज़्यादा आ रहा था। बट कहीं के पैसे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा हल्का फुल्का लैग सा लगा, बट बाकी इसमें FPS बेटर है गैलेक्सी वाले कार्ड के मुकाबले इस पर्टिकुलर गेम में। PUBG खेलने के लिए तो ये वाला चॉइस ज़्यादा बेटर है, बिकॉज 70+ FPS आ रहा था आराम से गैलेक्सी 1650 पे। Fortnite पे 70+ FPS आ रहा था, मतलब 60 to 75 तक की रेंज में आ रहा था, उतना ज़्यादा हाई भी नहीं था। वहीं MSI 1650 OC 4GB पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि मोस्टली वो 70 के आसपास स्टेबल रह रहा था FPS, और थोड़ा बहुत कभी कभी जा रहा था 70 से डाउन, बट मोस्टली वो 70 के पास रहता स्टेबल। तो Fortnite जैसी गेम के लिए भी ये वाला कार्ड पर्टिकुलरली ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा था। तो जैसे कि यहाँ पे दिख सकता है आपको कि 70+ FPS रह रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम, 80 की रेंज में भी गया कभी कभी जब इंडोर एनवायरमेंट्स में हम गए। वहीं गैलेक्सी 1650 पे बैटलफील्ड 1 जो है उसकी जान निकली सी हुई थी, क्योंकि वो कहीं कहीं पे जैसे कि देख सकते हैं स्टटर्स वगैरह मार रहा था। तो जो ड्राइवर वर्जन हमने गैलेक्सी 1650 पे यूज़ किया था वही हमने यहाँ पे MSI में भी यूज़ करा। अभी हमने दोनों में से किसी को भी अपडेटेड ड्राइवर्स के साथ टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि दोनों की परफॉर्मेंस बेटर हो गई हो अब तक। बट ये है कि बैटलफील्ड 1 में थोड़ा बहुत स्टटर देखने को मिल रहा था। सिमिलरली जब हमने MSI के 1650 OC 4GB पे खेला तो उस पे कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत स्टटर था, बट दोनों पे ही FPS जो था वो 50 से 65 था, और इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला इन मॉडल्स के बीच में। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि यार दोनों सेम ही आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो कहीं कहीं पे जो भी डिफरेंसेस होंगे वो 5-10% होंगे, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होंगे। ऐसी गैलेक्सी 1650 पे जब हमने EX4GB वाले एडिशन पे खेला हमने Apex Legends को, तो वो 50 से 65 FPS तक की परफॉर्मेंस दे रहा था, जो कि एक रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस है, उतनी कोई बेकार परफॉर्मेंस नहीं है, अच्छा है अल्ट्रा सेटिंग्स 1080p गेमिंग के हिसाब से। और वहीं फिर जब हमने MSI 1650 पे खेला तो 50 से
65 तक की रेंज में तो वो भी रह रहा था, बट वो 60 के मार्क तक उतना ज़्यादा जा नहीं रहा था, वो एक मुझे बेकार लगा। कुछ कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 70 तक भी गया, तो वो उसके हाइज जो थे वो ज़्यादा बेटर थे, बट लो जाने पे तो वो 40 तक भी चला गया, तो वो मुझे बहुत बेकार लगा कि जो इसका फ्लक्चुएशन था वो बहुत ज़्यादा था। वहीं अगर मैं GPU के वैसे परफॉर्मेंस की बात करूँ Cinebench पे, तो आप देख सकते हैं टॉप पे जो है वो आपका MSI वाला एडिशन है, फिर RX 570 है, उसके बाद फिर गैलेक्स का जो एडिशन है वो है। Geekbench स्कोर की बात करें तो ये गैलेक्स वाले एडिशन का स्कोर है 117118 और वहीं MSI वाले एडिशन का 117893 है, जो कि 700 से 600 पॉइंट ज़्यादा है आपका जो गैलेक्स वाला एडिशन है उसके मुकाबले। तो टेम्परेचर्स की बात की जाए तो गैलेक्स वाले एडिशन को हमने पहले टेस्ट किया, उसमें आप देख सकते हैं 35 डिग्रीज तक जा रहा था टेम्परेचर टेस्टिंग वगैरह पे, 33-35 डिग्रीज तक जा रहा है वो बैक पे और सब जगह टेम्परेचर बहुत देर गेम खेलने के बाद। वहीं MSI वाले कार्ड पे ये जा रहा है 34 से 35 कुछ कुछ पॉइंट्स पे, बैक प्लेट पे 34.5-35.1, ऑलमोस्ट सिमिलर कार्ड्स हैं यार, और ऑलमोस्ट कूलिंग भी इनकी सिमिलर ही है, फैंस भी दोनों में बड़े बड़े ही दिए हुए हैं, तो उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है परफॉर्मेंस में। MSI वाले भी अपना एक आफ्टर बर्नर सॉफ्टवेयर देते हैं और गैलेक्स वाले भी अपना एक वन क्लिक OC सॉफ्टवेयर देते हैं, बट डिफरेंसेस जो आते हैं वो आते हैं इनके OC लेवल्स पे। जैसे कि MSI वालों का जो मैक्सिमम क्लॉक आता है वो थोड़ा ज्यादा है एज अपोज टू गैलेक्स का जो मैक्सिमम क्लॉक है वन क्लिक OC करने के बाद। तो आप इनके स्पेसिफिकेशंस पेज पे भी जाके अगर आप ये टेस्ट डिफरेंस देखेंगे तो उन्होंने सामने सामने बता रखा है कि एक मेजर डिफरेंस है। बट गैलेक्स वाले GPU का एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सबसे सस्ता 1650 अवेलेबल है आज की डेट में, तो 12,500 रुपए पे वो सबसे सस्ता 1650 अवेलेबल है, और वहीं MSI वाला कार्ड जो है वो उससे 1,000 रुपए सीधे डायरेक्ट महंगा है। और जो अगर दूसरी चीज़ों की बात की जाए तो MSI की आफ्टर सर्विस उतनी अच्छी नहीं है। गैलेक्स भी इंडिया में नया है और वो तो अभी थर्ड पार्टी वेंडर्स के थ्रू अपनी आफ्टर सेल सर्विस कराते हैं। तो यहाँ पे बात यह आती है कि क्या आप 1,000 रुपये सस्ते देके कोई एक ऐसा ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हैं जिसकी सर्विस अभी उतनी ज़्यादा प्रूवन नहीं है। बट ये है कि गैलेक्स वाले कार्ड में हमें आज तक इश्यूज़ नहीं आए गैलेक्स के प्रोडक्ट्स जो यूज़ करें हैं, तो वो एक अपना पॉइंट है कि क्या आप थोड़ा पैसा सस्ता देके एक नए प्लेयर पे बेट करना चाहते हैं या आप MSI का कार्ड लेना चाहते हैं जिसमें आपको पता है कि परफॉर्मेंस तो आपको मार्जिनली बेटर मिलेगी बट आफ्टर सेल्स में शायद से रोना हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही मतलब जनरल मैंने ट्रेंड देखा है कि जितने मोस्टली प्रोडक्ट्स वगैरह की बात की जाए तो बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जिनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं बट आफ्टर सेल्स में थोड़ा बहुत रुला देते हैं। वहीं गैलेक्स जैसे जो नए प्लेयर्स आए हैं उन्होंने प्राइसिंग बहुत कम रखी है ताकि लोग उनके GPU खरीदें, बट उनके आफ्टर सेल्स अभी प्रूवन नहीं है मार्केट में, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस कैसा होगा आज की डेट में। तो यही है कि सब कुछ देखो फिर सही चुनो। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।